Assalamualaikum students, how are you? Yesterday we studied about Boyle's Law and today we are going to study about Charles' Law, right? In Charles' Law, we are going to study two variables that are temperature and volume. And we keep constant, that will be the mass of the gas and Pressure of the gas. So, this law says that the volume of a given mass of a gas is directly proportional to the temperature when the pressure is kept constant. So, the pressure is constant and the mass of gas is constant, but the volume is directly proportional to temperature. इट मीन्स कि अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो हमारा वॉल्यूम भी क्या होगा ज़्यादा होगा अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा कम होगा एज़ यू कैन सी इन दिस इक्वेसन वी इज इक्ल टू दिस वन v इज इक्वल टू के टी क्योंकि हमने प्रपोर्शनैलिटी हटाई है और हमने क्या किया है इक्वालिटी इंट्रोड्यूस करवाई है तो हमने कॉन्स्टेंट लगाया v v वी इज इक्ल टू के बाई टी टी वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है अगर मैं इस साइड पर इसको लेके आऊँगी तो वो डिवाइड हो जाएगा ये हो जाएगा v बाई टी इज़ इक्ल टू के हमारे पास ये इक्वेशन बनी इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम और टेम्परेचर को जब भी मैं डिवाइड करूँगी डिफरेंट कंडीशंस पे तो मेरे पास हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आएगी ठीक है एट कंडीशन वन जैसे वी वन ओवर टी वन हो जाएगा एट कंडीशन टू वी टू ओवर टी टू हो जाएगा दे बोथ विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट राइट अच्छा उसके बाद मैं आपको एक एनीमेशन uh, दिखाती हूँ इस लॉ की हेयर इट इज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे से हीट प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है और हमारे पास वॉल जो वॉल्यूम है वो क्या कर रहा है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है जबकि प्रेशर क्या है कांस्टेंट है और जो मास ऑफ गैस है वो भी क्या है कांस्टेंट है यहाँ पे आपको ग्राफ नज़र आ रहा है V ओवर T का जो आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है कल भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आपके पास दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन दैट इस्ट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन ठीक है यूजली ऑरिजिन ठीक है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का हमने जो ग्राफ प्लॉट किया तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई बिकॉज दे वर बॉड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर राइट कमिंग बैक टू आर टॉपिक हेयर इट इज इफ यू टेम्परेचर इज चेंज फ्रॉम t1 to t2 and the volume changes from v1 to v2 then first equation will be v1 over t1 is equal to k and the second will be v2 over t2 is equal to k as both of them are equal to k it means both of them will be equal to themselves v1 over t1 is equal to v2 over t2 all right coming to the experimental verification of charles law here you can see two cylinders they have movable piston on them in the first um, cylinder the uh, temperature is t1 and the volume is v1 right the equation be v1 over t1 is equal to k but in second cylinder we have heated this and the temperature now changes from t1 to t2 definitely the volume will be increased because we know according to charles law when the temperature increases the volume also increases

250 centimeter cube of hydrogen is cooled from 127 degrees centigrade to minus 27 degrees centigrade. Cooled from first kya hai temperature T1 minus uh, sorry 127 and T2 is minus 27 by maintaining the pressure constant. Calculate the new volume of the gas. First volume has been given, which is 250 centimeter cube, which is V1. You have to calculate V2. रिमेंबर इन चार्ल्स लॉ वी कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम सेंटीग्रेड टू कैलविन स्केल उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें टू सेवेंटी थ्री एड करते हैं सो हेयर यू कैन सी आई हैव एडेड टू सेवेंटी थ्री टू वन ट्वेंटी सेवन हमारे जो टेम्परेचर था वो कन्वर्ट हो गया कैलविन में इट इज़ फोर हंड्रेड कैलविन अगेन माइनस टू ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड मैंने टू सेवेंटी थ्री कैलविन एड किया आंसर आया टू फोर्टी सिक्स कैलविन विच इज़ द टेम्परेचर इन कैल्वन अब मैं जो अपना इक्वेशन है वो प्लॉट करूंगी वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू वी टू ओवर टी टू मैंने कैलकुलेट करना है वी टू तो मैं वी टू को एक साइड पर करके टी टू क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पर जा कर मल्टीप्लाई हो जाएगा सो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी वी टू इज इक्वल टू वी वन इंटू टी टू डिवाइडेड बाई टी वन एल्व अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ वो क्या है इसका वॉल्यूम वॉल्यूम हमारे पास था सेंटीमीटर क्यूब में बट वी हैव टू टेक द वॉल्यूम इन क्यूबिक डेसीमीटर और डेसीमीटर क्यूब फॉर दैट वी विल डिवाइड द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब बाय थाउजेंड थाउजेंड से हमने डिवाइड किया हमारे पास आंसर आया ज़ीरो पॉइंट टू फाइव डेसीमीटर क्यूब बिकॉज दिस इज़ द यूनिट वी हैव टू यूज़ ऑफ द वॉल्यूम तो मैंने सारी वैल्यूज़ प्लॉट कर ली सारी वैल्यूज़ पुट करके जो मेरे पास आंसर आया वो था वन फिफ्टी थ्री सेंटीमीटर क्यूब राइट ओके सो बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एस यू नो इन द इक्वेशन, द टेम्परेचर वाज डिक्रीज फ्रॉम वन ट्वेंटी सेवन टू माइनस ट्वेंटी सेवन तो वॉल्यूम टू फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब से डिक्रीज होके आ गया वन सेंटीमीटर क्यूब पे नाउ कमिंग टू डेलीवेशन ऑफ एब्सोलूट जीरो अच्छा हमारे पास कैसे पता चलेगा कि कितना वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा और कितना वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें फॉर दैट वी विल डिराव द एब्सोलूट जीरो अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है देन द वॉल्यूम विल इंक्रीज़ बाय वन बाय टू सेवेंटी थ्री और डिक्रीज बाय वन बाई टू सेवेंटी थ्री ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी वन डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर दोबारा से सुनें मेरे पास जो ओरिजिनल वॉल्यूम है ओरिजिनल वॉल्यूम का मतलब है जो वॉल्यूम जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे तो उसको मैंने क्या कह दिया ओरिजिनल वॉल्यूम अब अगर मैं एक डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा करती हूँ तो मेरे पास कितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा वो ओरिजिनल वॉल्यूम के वन बाई टू सेवेंटी थर्ड फैक्टर के बराबर होगा यानी कि अगर मैं ओरिजिनल वॉल्यूम को टू बाई टू सेवेंटी थ्री से डिवाइड करूं तो जो वैल्यू आएगी उतना हमारा वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा अगर मैं वन डिग्री टेम्परेचर ज्यादा कर रही हूं और उतना ही मेरा वॉल्यूम डिक्रीज होगा